बच्चों आपके सामने 100 सब प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। सात बड़े देशों की शिखर बैठक हर वर्ष की भांति कामकाजी और आपसी समझ बढ़ाने वाली है। बैठक के बाद जारी बयान यह दर्शाता है कि शिखर बैठक में विश्व की करीब करीब सभी प्रमुख समस्याओं पर विचार हुआ और सातों देशों ने उन समस्याओं पर एकमत होकर अपनी नीति स्पष्ट की। भले ही आज वैसी समस्याएं नहीं हैं जैसी कि कुछ वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेमों में बटे होने के समय थी, जिनमें बड़े औद्योगिक राष्ट्रों के लिए एकमत कार्यनीति का निर्धारण जरूरी था। फिर भी इस परंपरा का निर्वाह करते हुए बिना किसी अपवाद के हर वर्ष बड़ी ताकतों की शिखर बैठक का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक कारण इन बैठकों में आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता दिया जाना भी है। इससे इन देशों को अपनी नीतियों के समन्वय और अपनी समझ का दायरा बढ़ाने का अवसर मिलता है। आर्थिक हितों को लेकर संबद्ध होने के जो भी अन्य प्रयास हुए हैं उनमें कोई ऐसा नियमित नहीं हो पाया है। बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की शिखर बैठक में आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता दिए जाने के बावजूद कोई उल्लेखनीय सहमति सामने नहीं आई आ पाई। राजनीतिक मुद्दों पर जहां सहमति का कोई अभाव देखने को नहीं मिला, आर्थिक मुद्दों पर मतों के टकराव को अति सरलीकृत घोषणाओं के जरिए ढापा गया। शिखर बैठक में शामिल देशों में से कई मंदी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक के बाद जारी बयान में मंदी से उबरने और अर्थतंत्रों में गतिशीलता लाने की बात कही गई है, किंतु उसके लिए किए जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं है। अपने हितों की रक्षा करने और अपने संकट को सुलझाने के लिए वजन दूसरों पर डालने की कोशिश की गई। इस कोशिश का एक प्रमाण डॉलर की विनिमय दर के संकट को सुलझाने में उदासीनता के रूप में देखने को मिला। डॉलर की विनिमय दर में जबरदस्त कमी से अनेक देशों के समक्ष संकट पैदा हो रहा है। फिर भी इस समस्या को सुलझाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका ने तो ऐसी कोई समस्या होने से ही इनकार कर दिया। विनिमय दर की समस्या के बार बार कई रूपों में सामने आने से यह धारणा बलवती हुई है कि जिस प्रकार व्यापार की शर्तों के नियमन के लिए गेट व्यवस्था है, वैसी ही कोई बहुपक्षीय व्यवस्था मौद्रिक सवालों पर विचार करने के लिए हो। लेकिन जब समस्या के अस्तित्व को ही नकारा गया तो समाधान का जिक्र क्यों और कैसे हो। अलबत्ता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकार बढ़ाने का निर्णय किया गया, किंतु उसके प्रबंधन ढांचे को देखते हुए यह कहना कठिन है कि विकासशील देशों की और संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने का घोषित लक्ष्य किस हद तक पूरा हो पाएगा। मंदी के दौर से उबरने के एकपक्षीय उपायों के कारण अमेरिका का सबसे ज़्यादा लाभ में रहना लाजिमी है। अमेरिका ने विनिमय दर का सहारा लिया और जर्मनी में ऊंची ब्याज दरों का। इस स्थिति से सर्वाधिक दुखी जापान अपने राजनीतिक अस्थिरता और शिखर बैठक में आए प्रधानमंत्री की अस्वस्थता के चलते असरदार ढंग से अपना पक्ष
नहीं रख पाए।